हेलो स्टूडेंट्स आई एम एजुकेटर। इन आर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन चैप्टर थर्टीन सरफेस एरियाज एंड ऑलरेडी एक्सरसाइजेस ऑफ दिस कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्ले लिस्ट सो टूडेज टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ कौन कौन के फिगर के बारे में हम स्टूडेंट्स डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉल्यूम ऑफ कौन तो कौन किस शेप का होता है स्टूडेंट्स जैसे बर्थडे कैप आपने देखी होंगी या फिर आइसक्रीम कौन होता है किस शेप के होते हैं हमें कौन की शेप के होते हैं इसमें बेस क्या होता है सर्कुलर होता है और एक हमारे पास वर्टेक्स होती है जो पॉइंटेड होती है तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कौन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास वन बाई थ्री पाई आर स्क एच हमें क्या पता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है स्टूडेंट्स मीन्स इस सिलेंडर में कितनी क्वांटिटी हम फिल कर सकते हैं या फिर इसके अंदर ये कितने मटेरियल से बना है इसी टाइप से वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स इसके अंदर कितना मटेरियल हम फिल कर सकते हैं या फिर ये कितने मटेरियल से बना है अंदर से खाली नहीं होगा ये कंप्लीट फिल होगा वही क्या होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमें क्या फॉर्मूला हमारे पास फार्मूला है वन बाई थ्री पाई आर स्क्र एच हमें क्या पता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्र एच तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फार्मूला है तो स्टूडेंट्स अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वन थर्ड कर देंगे यानी वन बाई थ्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को को डिवाइड कर दे थ्री से तो हमें क्या मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कौन ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स क्योंकि मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिलेंडर है और एक कौन है दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए स्टूडेंट्स और दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए तो स्टूडेंट्स जब इनकी हाइट और रेडियस सेम होगी तो इस कोन को अगर हम वन टाइम फिल करके इसके अंदर डालेंगे तो ये इतना फिल होगा सिलेंडर हमारा सेकेंड टाइम में इतना फिल होगा इसको कंप्लीट फिल करके जैसे पानी से फिल करके आप इसको भरने की कोशिश करेंगे तो आपको थ्री टाइम इसमें पानी भर के डालना पड़ेगा तभी ये पूरा फिल होगा इसीलिए मीन्स जो हमारा कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का वन थर्ड है मींस थ्री टाइम अगर कोन को फिल करके इसके अंदर डालेंगे सिलेंडर के अंदर तभी ये फिल होगा कंप्लीट फिल होगा यानी इसका वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है थ्री टाइम्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कोन या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओके स्टूडेंट्स इसीलिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को का वन थर्ड कर देंगे दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन सो वन बाय थ्री पाई स्क्वेयर एच नाउ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट सेवन फर्स्ट क्वेश्चन इज इसमें भी हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है स्टूडेंट्स ट्वेंटी टू बाई सेवन फाइंड दूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस सिक्स सेंटीमीटर हाइट फोर सेवन सेंटीमीटर तो हमें क्या है, करना है स्टूडेंट्स डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ राइट सर्कुलर कौन के लिए के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कौन के लिए वन बाई थ्री पाई आर स्क उसके अंदर हम आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स रेडियस आर कितनी हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर हाइट कितनी है सेवन सेंटीमीटर सो वॉल्यूम इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर एच वन बाई थ्री पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर रेडियस की वैल्यू सिक्स तो सिक्स स्क मल्टीप्लाई 7 सेवन यहाँ सेवन से सेवन कैंसिल आउट करेंगे और सारी क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई करेंगे यही हमारे पास वॉल्यूम आएगी और वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यों क्यों आई स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे थ्री क्वांटिटीज की हमने मल्टीप्लाई की है आर टू टाइम है और एच वन टाइम है टू प्लस वन थ्री टाइम किसकी मल्टीप्लाई हुए सेंटीमीटर की सो क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट होगी मीटर है तो मीटर है सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर आर निकालना है रेडियस या फिर हाइट निकालनी है जस्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां से वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर को सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज ट्वेंटी सेंटीमीटर फाइंड हाइट ऑफ कॉन स्लैंड हाइट ऑफ कॉन कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ कॉन गिवन है वॉल्यूम ऑफ कितने गिवन है हमें नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हमें क्या पता है वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास वन बाय थ्री पाईआर स्क्र एच तो हम वहाँ वैल्यू पुट करेंगे हमें क्या गिवन है डायमीटर गिवन है ट्वेंटी एट तो रेडियस क्या करेंगे ट्वेंटी एट का हाफ करेंगे हाइट हमें फाइंड आउट करनी है वहां से इजिली हाइट निकल जाएगी स्लेंट हाइट एल होती है उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास पाई पाईआर एल तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन है इसकी आर रेडियस है एच इसकी हाइट है और एल इसकी स्लैंड हाइट है सो वॉल्यूम ऑफ कितने गिवन है हमें नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स क्यूबिक सेंटीमीटर रेडियस क्या कैसे निकालेंगे डायमीटर का हाफ करेंगे यानी ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट बाई टू दैट इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर हाइट मान लीजिए h है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मुला क्या है वन बाय थ्री पाई आर स्कर एच बट हमें वॉल्यूम ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पाई आर स्कैर टू नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे की, की, की students, की h की पाई की और आर स्क्र हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे वन बाई थ्री को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे थ्री डिवाइड में है तो राइट right साइड में जाके मल्टीप्लाई में जाएगा पाई आर स्केर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में राइट right साइड में डिवाइड में जाएगा राइट लेफ्ट साइड में क्या रहेगा हमारे पास एच सो एच इक्वल टू नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थ्री डिवाइड में था मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई में था तो पाई आर स्केयर डिवाइड में सो नाइन नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई विद थ्री डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू ट्वेंटी मल्टीप्लाई विद रेडियस की वैल्यू क्या है यहां पे हमारे पास तो नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई विथ थ्री मल्टीप्लाई विद सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई विदीन मल्टीप्लाई विद विदीन तो यहाँ से आप कट करेंगे 7 अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेवन पे कट करेंगे इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू इलेवन एट जा एटी एट इलेवन नाइन ज़ा नाइन्टी नाइन और यहाँ पे इलेवन सिक्स ज़ा सिक्सटी सिक्स कट करेंगे स्टूडेंट्स आपका ये आंसर आएगा अब देखिए टू टू ज़ा फोर फोर से कट करेंगे फोर टू ज़ा एट फोर टू ज़ा एट फोर फोर ज़ा सिक्सटीन नेक्स्ट फोरटीन से कट करेंगे फोर्टीन वन ज़ा फोर्टीन वन सिक्स आ, ओके स्टूडेंट सो सिक्सटीन हमारे पास ऊपर है नीचे कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहा सो सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट सो रेडियस हमारे हाइट सॉरी हाइट यहाँ हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं सो हाइट ऑफ कॉन इज फोर्टी एट सेंटीमीटर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट स्लेंट हाइट मीन्स एल को फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हैं जो ये है हमारे पास एक राइट राइट सॉरी स्टूडेंट्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल में हम हमें क्या पता है हाईपोटनियर स्केयर इक्वल टू बेस स्क्यर प्लस प्रोपेंडिकुलर स्केयर सो एल स्केयर इक्वल टू आर स्क्यर प्लस एच स्क्र सो एल स्केयर इक्वल टू एच की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की फोर्टी एट आर की वैल्यू फोर्टीन सो फोर्टी एट स्केर प्लस फोर्टीन स्क्यर So, एड करेंगे सो so हमारे पास आएगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो एल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे राइट right साइड में जाके अंडर रूट लग जाएगा सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड या फिर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड किसका अंडर रूट है स्टूडेंट दैट इज अंडर रूट ऑफ 50 यानी फिफ्टी को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो एल इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैम हमें समझ नहीं आता ये अंडर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सो so, देखिए स्टूडेंट्स हम डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को अंदर लिखेंगे तो अब हम राइट टू लेफ्ट साइड जाएंगे और टू टू के पेयर बनाएंगे ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें क्या करना है ऐसी टेबल पे लेके जाना है जो सेम नंबर पे जाए यानी वन वन जा वन टू टू जा फोर थ्री थ्री ज़ा नाइन फोर फोर जा सिक्सटीन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट नंबर ट्वेंटी फाइव है तो फर्स्ट हमारा कौन सा नंबर जाएगा फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इक्वल टू जीरो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऊपर से दो जीरो रिमेनिंग है उनको हम नीचे लेके आएंगे सो so, दो जीरो को हम नीचे लेके आएंगे यहाँ पे क्या करेंगे फाइव एक और लिखेंगे फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन अब किस टेबल पे जाएगा स्टूडेंट्स ये नंबर हमारा जीरो जा पे जाएगा टेन जा जीरो सो so, आंसर कितना है हमारा फिफ्टी कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ भी डाउट होगा कि मैम ये जीरो हम डायरेक्टली लगा सकते थे बिल्कुल लगा सकते थे बट कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भी पजल हो जाते हैं कि मैम जीरो ऊपर लगाएं या ना लगाएं तो स्टूडेंट्स इसलिए मैंने आपको ये कंप्लीट करके यहाँ पे दिखाया है सो एल इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर सो स्लेंट हाइट इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन जिसके लिए क्या फॉर्मूला है पाई आर एल पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर रेडियस की वैल्यू फोर्टीन और एल स्लेंट हाइट इज फिफ्टी सो सेवन टू झा फोर्टीन फिफ्टी टू जन्ड्रेड हंड्रेड मल्टीप्लाई विद ट्वेंटी टू इक्वल टू टू थाउजेंड टू हंड्रेड सो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्क्वायर में क्यों है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे एक आर के साथ सेंटीमीटर आएगा और एल के साथ सेंटीमीटर आएगा टू टाइम सेंटीमीटर है दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है स्टूडेंट्स अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं तो भी आप इन एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर भी आप इन्हें एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इज अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन हुज डायमीटर इज टेन मीटर एंड हाइट इज थ्री मीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स एक वीट का हीप है ढेर है जैसे गेहूं का ढेर होता है ऐसे गेहूं का एक ढेर है किस फॉर्म का है वो हमारे पास कौन के फॉर्म का है कौन के शेप का है जिसका डायमीटर कितना है हमारे पास डायमीटर गिवन है हमारे पास टेन पॉइंट फाइव मीटर और उसकी हाइट कितनी गिवन है थ्री मीटर तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है वन बाई थ्री पाई स्कैर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन हीप को जो है वो जो गेहूं का ढेर है उसको कैनवास से कपड़े से कवर करना है रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड तो उसको हमें कैनवास से कवर करने के लिए कितने एरिए की रिक्वायरमेंट होगी अब स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम टोटल सरफेस एरिया निकालें या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या पता है टोटल सरफेस एरिया में तो बाहर का एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया होता है बट टॉप इसमें नहीं होता है सिर्फ बॉटम होता है बॉटम में ये सर्कुलर होता है सो एरिया ऑफ दिस कर्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस वही क्या होता है हमारे पास टोटल सरफेस बट हम सिर्फ इस एरिया को लेते हैं ये हमारे पास क्या होता है कर्ड सरफेस तो देखिए स्टूडेंट्स जब भी ये गेहूं का हीप है इसको सिर्फ हम ऊपर से प्रोटेक्ट करेंगे इसके नीचे अगर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा अगर नहीं गिवन है मींस नीचे हम कैनवस नहीं बिछाएंगे सिर्फ इसको ऊपर से कवर करेंगे तो जब ऊपर से कवर करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर करते हैं स्टूडेंट्स क्रड सरफेस एरिया तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम कर देंगे so, हाइट एच है रेडियस आर है नाउ रेडियस आर रेडियस हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स डायमीटर टेन पॉइंट फाइव मीटर गिवन था तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ तो टेन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू टू फाइव पॉइंट टू टू ज़ा फोर रिमेनिंग वन जीरो स्लाइड डाउन करेंगे टू फाइव जा टेन सो फाइव पॉइंट टू फाइव मीटर हमारे पास रेडियस आ गई हाइट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है थ्री मीटर सो वॉल्यूम ऑफ हीप जो हीप है गेहूं का उसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे वन बाई थ्री पाई आर स्क्यर एच वन बाय थ्री पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर रेडियस की वैल्यू फाइव पॉइंट टू फाइव होल स्केयर क्योंकि आर स्क्यर है और एच हाइट की वैल्यू थ्री जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे दैट इक्वल टू एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव सो वॉल्यूम ऑफ ही पीस एटी सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव क्यूबिक मीटर क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज हमें मीटर मीटर में गिवन थी तो टू टाइम मीटर यहाँ से आएगा और वन टाइम मीटर यहाँ से आएगा सो क्यूबिक मीटर और इसलिए वॉल्यूम क्या होती है ऑलवेज क्यूबिक मीटर में होती है नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कर्ड सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, पास पाई आर एल बट हमारे पास हाइट है रेडियस है रेडियस है एल क्या होती है स्लैंड हाइट वो हमारे पास नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे एल को फाइंड आउट करेंगे स्लैंड हाइट को एल इक्वल टू ये हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल है सो इस राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होगा स्केयर ऑफ हाइपोटनियस इक्वल टू सम ऑफ ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर सो एल स्क्वल टू आर स्क्यर प्लस एच एच स्केर एच स्क्र या फिर एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्र प्लस एच स्क्र आर की वैल्यू क्या है फाइव पॉइंट टू फाइव होल स्केर प्लस थ्री स्क्यर दैट इक्वल टू थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव इसका हम निकालेंगे अंडर रूट तो आंसर किसके इक्वल लाएगा सिक्स पॉइंट जीरो फाइव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आगे भी सॉल्व होगा सो कार्ड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास पाई आर एल पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर रेडियस की वैल्यू फाइव पॉइंट टू फाइव और एल की वैल्यू सिक्स पॉइंट जीरो फाइव सो सबके मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू नाइनटी नाइन पॉइंट एट टू फाइव मीटर स्क्वायर हैंस एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज नाइन्टी नाइन पॉइंट एट टू फाइव मीटर स्क्वायर इतने कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी हीप को कवर करने के लिए अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अंडर रूट ऑफ थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स पॉइंट जीरो फाइव कैसे आया सो देखिए स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे हमारे पास क्वांटिटी क्या है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव डेसिमल तो के पहले जो नंबर है उनको हम राइट टू लेफ्ट साइड में पेयर बनाते हैं और डेसिमल के बाद के जो पेयर हैं उनको हम अलग से पेयर बनाते हैं ओके स्टूडेंट्स सो टू टू के हमारे पास पेयर बन गए फर्स्ट नंबर है हमारा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स किसके पास जाएगा स्टूडेंट्स सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स सब ट्रैक्ट करेंगे थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर डेसीमल है तो डेसीमल ऊपर जाएगा नेक्स्ट टू नंबर्स को हम नीचे लेकर आएंगे यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ हमें सिक्स के नीचे एक और सिक्स लिखना है यहाँ पे सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व क्वांटिटीज को हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते जाना है अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ फिफ्टी सिक्स है अगर हम वनज़ा पर भी लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वनजा लगाने के बाद ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी वन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन बट नंबर हमारे पास क्या है फिफ्टी सिक्स तो हमें नेक्स्ट टू नंबर्स को भी नीचे लेकर आना पड़ेगा बट हम डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं इसके लिए हमें पहले जीरो लगाना पड़ेगा उसके बाद ट्वेंटी फाइव को भी नीचे लेकर आएंगे तो अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हमने ऊपर जीरो लगाई है तो यहाँ भी हम जीरो लगाएंगे अब यहाँ पे किस टेबल पर हम लेके जाएंगे स्टूडेंट्स अगर आप वन टू जीरो फाइव ज़ा पर लेके जाएंगे तो फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव टू ज़ा टेन जीरो कैरी वन फाइव वन जा फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी फाइव बट ये नंबर है हमारे पास फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो फाइव ज़ा की बजाय हम किस पर लेके जाएंगे फोर ज़ा पे एक 4 नीचे, 4 फोर नीचे फोर फोर ज़ा सिक्सटीन फोर टू ज़ा एट फोर वन ज़ा फोर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब इनको सब करेंगे यहाँ पर इन क्वांटिटीज को ऐड करेंगे यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है वो यहाँ लिखते हैं और इन नंबर्स को जो जिस नंबर पे हमने टेबल चलाई है वो नंबर हम ऐड करते हैं फोर प्लस वन फोर एट जीरो टू वन और यहाँ फिफ्टीन कैरी टू से लेंगे हम फिफ्टीन माइनस सिक्स इक्वल टू नाइन यहाँ पर रिमेनिंग रहा वन वन माइनस वन जीरो यहाँ पे सिक्स कैरी लेंगे सिक्सटीन माइनस एट इक्वल टू एट नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है किस पे चलाया था स्टूडेंट्स हमने ये फोर ज़ा पे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो दो ज़ीरो हम लेकर आएंगे अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसके आगे हम किस नंबर पर इसको चलाएंगे तो वन टू जीरो एट अगर हम इस नंबर को सेवन पर लेकर जाएं तो क्या होगा सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन कैरी फोर सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस फोर इक्वल टू सिक्सटी सेवन टू जॉ फोर्टीन वन सेवन वन जा सेवन प्लस वन एट एट फोर सिक्स जीरो नाइन बट यहाँ है एट जीरो तो हम किस नंबर पर लेके जाएंगे इसको सेवन की बजाय सिक्स पर लेके जाएंगे सिक्स पर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स कैरी थ्री सिक्स एट जा फोर्टी एट फोर्टी एट प्लस थ्री इक्वल टू फिफ्टी वन कैरी फाइव जीरो है तो फाइव यहीं आएगा सिक्स टू जा ट्वेल्व और सिक्स वन जा सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सब करेंगे किस नंबर पर लेके गए हम सिक्स पे तो अब सब्ट्रैक्ट करो या ना करो बट देखिए स्टूडेंट्स हमने टू डेसिमल प्लेसेस तक लिया है ये नंबर हमारा सिक्स है फाइव या फाइव से जब बड़ा नंबर होता है तो वो पहले नंबर में वन ऐड हो जाता है तो हमारा नंबर क्या आएगा सिक्स पॉइंट जीरो फाइव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और आगे भी ये चलता जाएगा इसीलिए स्टूडेंट्स हमने जब एल की वैल्यू को फाइंड आउट किया है वहाँ क्या लिखा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आगे भी, आगे भी क्वेश्चन चलेगा बट आप इतना लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सो so, स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट सेवन कम्प्लीट होती है अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट एट को डिस्कस करेंगे जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हैमी के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स अभी तक आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं